आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 मार्क करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। एक मैट्रिक्स है जो दे रखा है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। शो दैट, साबित करो क्या ये इसके इक्वल है। बहुत सिंपल है, ले लो LHS आई प्लस ए। आई 1001 प्लस ए 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0। इसे कर दो, क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस tan α/2 tan α/2 एंड 1। ये तो क्या LHS, ये तो सिंपल था। मेन खेल आता है RHS का, RHS कैसे सॉल्व करें। तो आओ लेते हैं आई माइनस ए इंटू में cos α माइनस sin α sin α cos α, ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, अभी तक तो सिंपल रहेगा। मेन इसके बाद एक स्टेप आएगा, आई अगर मैं बोलूँ आई माइनस ए, अगर मैं माइनस लगाता तो क्या बनता है इधर, वन डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, वन क्या बनता का माइनस लगाता, tan α/2, ओके 0 माइनस tan α/2 1, ओके फाइनली वापसी 1। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, टाइम सेव करने का तरीका। सर एग्जाम में हम कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल करो, किसने रोका। ओके cos α माइनस sin α sin α cos α, अब कर दो मल्टीप्लाई, 1 cos α, ये हो गया cos α प्लस sin α into tan α/2, ओके माइनस sin α प्लस cos α into tan α/2, ये हो जाएगा माइनस cos α into tan α/2 प्लस साइन अल्फा, अल्फा ये ठीक है, α/2 प्लस साइन अल्फा, ये हो जाएगा sin α into tan α/2 प्लस कॉस अल्फा। यहाँ तक तो नॉर्मल था, यहाँ तक तो आप कर लोगे। मेन इसके आगे आएगा कि ये कैसे प्रूफ करें। मेरे पास इसको कराने के दो तरीके हैं, एक लंबा एक छोटा। लंबा तो जनरली बुक्स में है, छोटा मैं आपको भी करा दूंगा, ठीक है। तो शॉर्टकट कराते हैं, उससे पहले इसे नोट करिए प्लीज़। आओ बेटा ध्यान से देखना क्या होगा। कॉस अल्फा ओके, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ओके, tan α/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin α/2 अपॉन cos α/2, इस तरह लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे -sin α + cos α into sin α/2 / cos α/2, फिर -cos α into sin α/2 / cos α/2 प्लस साइन अल्फा, यहाँ पर sin α into sin α/2 / cos α/2 प्लस कॉस अल्फा, ओके ये हमारा हो गया। अब ध्यान से समझना, इस हिस्से को मैं इरेज कर रहा हूँ। एलसीएम लो, अगर आप नोटिस करो तो इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, सेम हेयर एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ध्यान से क्या बनेगा, देखो इसका डिनोमिनेटर तो आ जाएगा cos α/2, ऊपर क्या बनेगा,
ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू, ठीक है। सेम हियर, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू, यहाँ पर करो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू, डिनोमिनेटर तो वही है कॉस अल्फा बाय टू, एलसीएम लेने के बाद है ये एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पर, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू, फिर कॉस अल्फा बाय टू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू। ओके, अब पहले इसको अरेंज कर दूं। देखो अरेंजमेंट कैसे, ध्यान समझना। इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू। रीज़न बताऊँगा क्यों अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कि कॉस वालों को आगे साइन वालों को पीछे ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ, साइन वालों को पहले लिख रहा हूँ, उसका रीज़न आपको अगले स्टेप में समझाऊंगा ऐसा क्यों। यानी साइन इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फा बाय टू मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा, भाई ऐसा क्यों, ए इंटू बी हो या बी इंटू ए हो, बात एक ही है। सर आपने तो मैट्रिक्स में बताया था इक्वल नहीं होते, बेटा मैट्रिक्स में बताया था मैंने, नॉर्मली ए बी और बी ए 3 × 2 या 2 × 3, बात एक ही होती है, ठीक है, 3 × 2 और 2 × 3। ओके, ये पॉइंट का मैंने यूज़ करा है, तो बाकी समझना ऐसा क्यों करा मैंने। साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा, यहाँ पे आ गया माइनस कॉस अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू। फिर सेम हेयर, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू। फिर ये साइन अल्फा इंटू साइन भी नहीं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू, ये आ गया मेरा। सर अब आपने ऐसा करा क्यों, मैंने कहा ध्यान से देखो इसको, नहीं ध्यान में आया तो याद दिला दूं मैं आपको, क्या फॉर्मूला किसका, कॉस ए माइनस बी का, क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको देखो साइन क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, साइन साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में लिखवाए थे ये सारे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर सेम यहाँ पर सेम यहाँ पर, ओके तो आगे कराते हैं, उससे पहले इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। अब ज़रा देखो क्या बनेगा, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, ए क्या था अल्फा, ए क्या है इज अल्फा, बी क्या है अल्फा बाय टू, यानी कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है। यहाँ साइन साइन ए क्या है इस बार, ए इस बार अल्फा बाय टू है, साइन ए माइनस बी साइन अल्फा बाय टू माइनस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू। सेम यहाँ पे साइन इस बार ए क्या है अल्फा, बी क्या है अल्फा बाय टू, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है। ध्यान से एक बात सुन लो,
इट इज अल्फा बाय टू, नॉट कॉस अल्फा अपॉन टू. दोनों बातों में फर्क है, एक में एंगल हाफ है, एक में कॉस की वैल्यू जो आई वो हाफ है. ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं हाफ एंगल अल्फा बाय टू की. आओ आगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू, ये मेरा हो गया. ओके आगे चलते हैं सर, अगर कोई पॉइंट और आएगा नया तो मैं लिखवा दूंगा और आप उसे लिख लेना. अब कितना हो जाएगा, सॉल्व करो. अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, रफ वर्क में बता देता हूँ, अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, एलसीएम लिया टू, टू अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन में टू आ गया. ओके तो ये हो गया कॉस अल्फा बाय टू. ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाय टू माइनस अल्फा, एलसीएम टू, अल्फा माइनस टू अल्फा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाय टू. ओके नीचे कॉस अल्फा बाय टू, ये हो गया साइन माइनस अल्फा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फा बाय टू, ये भी साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू, फिर कॉस अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू. अब कट के ये क्या हो गया, कट के क्या हो गया वन. ठीक है, साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू याद दिला दूं मैं आप लोगों को, चाहो तो लिख लो अगर नहीं याद, वैसे तो कर चुके इतना तो. क्या ये रफ वर्क था कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्लास टेंथ, ये होता है टैन थीटा. ठीक है, ये होगा टैन अल्फा बाय टू. यहाँ ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू. सर मतलब मैंने क्या समझा रहा हूँ, ये वन एक्चुअली क्या होता है, क्लास इलेवेंथ में पढ़ाता है साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन थीटा. ओके तो फाइनली क्या हो गया, वन माइनस टैन अल्फा बाय टू, टैन अल्फा बाय टू वन. ज़रा चेक कर ले क्या था मेरा, वन प्लस वन माइनस टैन अल्फा बाय टू, टैन अल्फा बाय टू और वन, बिल्कुल ये मेरा आ गया LHS के इक्वल. ओके ये आपके पॉइंट्स थे, ये आपने लिखने हैं सर के एग्ज़ाम में लिखने हैं. मैंने कहा ये वाली चॉइस तो आपकी है खुद, साइन माइनस थीटा, ये तो समझाने के लिए. तो ये पॉइंट था. तो अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, होमवर्क में आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18. सर 19, 20 मैंने कहा बेटा वो पॉइंट अलग है, वो मेरे को भी बताने पड़ेंगे, एकदम नहीं आएंगे आपको. ठीक है, वो आगे चल के बताऊंगा. एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल 19 ट्राई में आपका बस इतना सा है, और भी देख लेते हैं कोई आएगा तो वो भी दे देते हैं आपको, मिसलेनियस से रिलेटेड. बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस का, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका होमवर्क में आ जाएगा. करना तो अभी कर लेना मिसलेनियस वाला, वरना बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. मैं दोबारा कह रहा हूँ, वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो.